दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कोचिंग सेंटर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने का क्या लीगल प्रोसेस होता है, आप लीगली इसे कैसे रजिस्टर करा सकते हैं ताकि कल को कोई भी परेशानी ना हो और आपको अपना कोचिंग सेंटर रन कराने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कराते हैं या फिर आप किसी 8, 9, 10, 11, 12 या फिर किसी क्लास तक के बच्चे को कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो कोचिंग हो वह गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पर यह मायने रखता है कि आप अपने कोचिंग को किस तरह से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपका जो कोचिंग का बिजनेस है वह किस नेचर का है। जैसे मोस्टली लोग प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं, मतलब आपने अगर कोचिंग अपना स्टार्ट किया है और उस कोचिंग के आप खुद मालिक हैं और अभी आपने स्टार्टिंग किया है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। और प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको कोई लीगल कंप्लायंस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, आपको कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है और आप इसे कम खर्च में आसानी से रन कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको अपने स्टेट के शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर इसमें रजिस्टर होने के बाद आप अपना कोचिंग का करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी टीचर है मैं उन सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने कोचिंग का कोई भी लेन देन अपने सेविंग अकाउंट से ना करें, आप अपने कोचिंग को रजिस्टर कराने के बाद करेंट अकाउंट खुलवा लें। और अगर आपने अपने कोचिंग को रजिस्टर नहीं करवाया है तो भी आप पर्सनल भी अपना करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं होता है और आप अपने कोचिंग का जो आपका फी आता है या फिर कोचिंग में जो भी एक्सपेंस लगता है आप सारे खर्चों को अपने करेंट अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करें। आप अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट का यूज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अगर कल को ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। और वहीं अगर आप कई लोग हैं, आप कई टीचर्स मिलकर अपना कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए पहले डीड बनता है और फिर उसके बाद डीड बनने के बाद पैन कार्ड के लिए अप्लाई होता है और फिर करेंट अकाउंट खुल जाता है। या फिर आपका विजन बहुत लंबा है तो आप यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। कई बड़े बड़े कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाकर रन कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद आपके कंप्लायंस बढ़ जाते हैं, तो आप सोच समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। जो प्राइवेट लिमिटेड बनता है वह MCA से रजिस्टर होता है, MCA पर उसे रजिस्टर कराना होता है, फिर आपको अपने कोचिंग का हर साल ऑडिट भी कराना होगा। इसलिए मेरी आपको यह सलाह है कि अगर आप शुरुआती दौर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म ही बनाना चाहिए और अगर आपका कोचिंग अच्छा चलने लगे तो भविष्य में आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा तामझाम से बचें और आप नॉर्मल सा प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर अपने कोचिंग को स्टार्ट कर लें। फिर भविष्य में आप अपने कोचिंग का ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं, कोई लोगो बनाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं। एक बात जो सबसे अधिकतर मुझसे पूछी जाती है कि अपने कोचिंग को रजिस्टर कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई अधिक डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना फ़ोटो और फिर एक चीज़ जो कि आपके एड्रेस को, आपका जहाँ कोचिंग है उसे प्रूफ करे, आपका लीगल ओनरशिप। जैसे अगर वहाँ पर बिजली का कनेक्शन है तो फिर बिजली बिल, और अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो फिर रेंट एग्रीमेंट, आपको यही दोनों डॉक्यूमेंट देने होंगे। फिर आपका जो कोचिंग है किसी भी फॉर्म में, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसमें रजिस्टर हो जाता है। मैं सभी टीचर्स को वीडियो के अंत में फिर से एक बार सजेशन दूंगा कि आपने अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं भी कराया है फिर भी बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप अपना करेंट अकाउंट, पर्सनल करेंट अकाउंट अपने नाम से खुलवा सकते हैं और आप अपने कोचिंग का सारा खर्चा उसी अकाउंट से करें, ना कि अपने सेविंग अकाउंट से, नहीं तो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांग सकता है और आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो
तो दोस्तों अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।